आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप 2022 में भारतीय महिला टीम ने बेशक पाकिस्तान की महिला टीम को 107 रनों के विशाल अंतर से हरा दिया, लेकिन इस मैच में पाकिस्तान की एक खिलाड़ी ने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी तरफ खींचा। भारत के महान क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर भी इनके बारे में ट्वीट किए बिना रह नहीं पाए। दरअसल जब आप अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति से दुनिया में एक नया इतिहास लिखते हैं, तब सरहद की सीमाएं भी आपके लिए टूट जाती है और दोनों तरफ से मोहब्बत का पैगाम आपके लिए आने लगता है। कुछ ऐसा ही हुआ पाकिस्तानी महिला टीम की कप्तान बिस्माह मारूफ के साथ। दरअसल बिस्माह मारूफ जब इस वर्ल्ड कप में भारत के खिलाफ अपने अभियान की शुरुआत करने आई तो उनके गोद में उनकी 6 माह की बेबी फातिमा थी। जिस महिला ने 30 अगस्त 2021 को अपने बच्चे को जन्म दिया, अगर वह महिला 6 माह बाद वर्ल्ड कप खेलते नजर आती है तो यह निश्चित तौर पर उस महिला की दृढ़ इच्छा शक्ति का एक जबरदस्त प्रमाण है और इस प्रमाण को देखकर पूरी दुनिया उनको प्रेरणा का स्रोत मान बैठी है। भारत की दिग्गज क्रिकेटर स्मृति मंधाना ने अपने इंस्टाग्राम पोस्ट पर उन्हें दुनिया के लिए एक बेहतरीन प्रेरणा बताई, तो वहीं सचिन तेंदुलकर ने उनके लिए ट्वीट करते हुए लिखा, व्हाट ए लवली मोमेंट, क्रिकेट हैज बाउंड्रीज ऑन द फील्ड बट इट ब्रेक्स देम ऑल ऑफ द फील्ड। सचमुच इस महिला ने अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति से दुनिया को बता दिया कि महिलाएं कुछ भी कर सकती है। पाकिस्तान इस टूर्नामेंट को हो सकता है जीत ना पाए, लेकिन मिस्बाह मारूफ ने पूरी दुनिया का दिल जीत लिया है।